हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिवर्सल गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूनिवर्सल गेट्स से हम दूसरे गेट ड्राइव कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, हम नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट, और गेट, नॉट गेट ड्राइव करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है, ड्राइव एंड और कॉमन नॉट गेट्स यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। तो हम यहां पर सिर्फ नैंड गेट्स का यूज करेंगे। तो पहला हमारा जो सर्किट है वो क्या है, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट्स। देखिए, एंड गेट क्या है, बेसिकली क्या है, मल्टीप्लायर है। देखिए, हम इसको कैसे, एंड गेट को हम नैंड गेट से कैसे ड्राइव करेंगे। देखिए, ये नैंड गेट है, दो इनपुट हैं। इसका आउटपुट क्या होगा नैंड गेट का, ए इंटू बी, और ये किसका सिंबल है, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। ठीक है, इसके आगे हम एक नैंड गेट और लगा देते हैं। अब यहां पर जो दोनों इनपुट्स हैं नैंड गेट के, उनको हम टाई कर देते हैं आपस में। तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपका जो वाई है इज इक्वल टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए क्या होगा, ये आपका ये होगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और ये भी क्या होगा, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से हम कॉम्प्लीमेंट को डिलीट कर सकते हैं या कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ए इंटू बी। तो ये हमने ड्राइव कर दिया है एंड गेट। अब हम ड्राइव करेंगे और गेट। एक नैंड गेट हम यहां लगाएंगे। देखिए, इसमें इस नैंड गेट के जो दोनों इनपुट हैं उनको हमने टाई कर दिया है, तो उसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा नैंड गेट है, उसके भी दोनों इनपुट्स को हमने टाई कर दिया, इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी आपका, देखिए, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया, और ये भी बी हो गया। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटू ए हो गया, तो ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से यहां पे B इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट। तो अब जो दूसरा नैंड गेट है, तो इन दोनों नैंड गेट्स के आउटपुट वो एक थर्ड नैंड गेट में जाएंगे। तो ये इसका आउटपुट यहां चला गया, इसका आउटपुट यहां चला गया, ये क्या था, A कॉम्प्लीमेंट था, ये B कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट क्यों आया, क्योंकि यहां पे एक नॉट गेट लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। तो देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम इस कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे, ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट या बार को हटाएंगे, तो यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये सिंबल चेंज हो जाएगा। देखिए, तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट, बी डबल कॉम्प्लीमेंट, तो डबल कॉम्प्लीमेंट या डबल बार, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो ये है आपका और गेट। अब है आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट के लिए हमें सिर्फ एक नैंड गेट चाहिए, और उसके दोनों इनपुट को हम टाई कर देंगे। तो देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका ए हो जाएगा, ये भी ए हो गया। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट या होल बार। तो ए इंटू ए, ए इंटू ए होता है, ऊपर क्या बार है, तो ए इंटू ए बार। तो ये आपका नॉट गेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ड्राइव एंड और एंड नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। तो अब हम नॉर गेट की हेल्प से इन तीनों गेट्स को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंड गेट। तो एंड गेट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, ये आपका नॉर गेट है। नॉर गेट में दो इनपुट हैं, दोनों इनपुट्स को हमने टाई कर दिया है, तो दोनों इनपुट हमारे ए हो गए हैं। ये दूसरा आपका नॉर गेट है, इसके दोनों इनपुट को हमने टाई कर दिया है, और दोनों इनपुट क्या हैं, बी हैं। तो ये आपका ए, ए, ये बी, ये बी। ठीक है, नॉर गेट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो नॉर गेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो आउटपुट है ये ए बार हो जाएगा, और ये आउटपुट बी बार हो जाएगा। कैसे,
तो जो नॉर गेट की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, और प्लस नॉट, तो ए प्लस ए का होल बार, ए प्लस ए क्या होगा, ए होगा और ये बार हो जाएगा, इसी तरह ये हो जाएगा। अब इन दोनों आउटपुट्स, इन दोनों गेट्स का आउटपुट कहां जाएगा, थर्ड नॉर गेट में जाएगा, तो ए बार प्लस बी बार, तो इसका आउटपुट क्या है वाई, क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ये नॉट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, इस वाले इसमें हम लगा देंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली क्या करेगा, जो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट, इसको ब्रेक कर देगा और सिंबल को चेंज कर देगा, तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू बी डबल कॉम्प्लीमेंट, ये डबल कॉम्प्लीमेंट हट गया, तो ए इंटू बी, तो ये हमने ड्राइव कर दिया एंड गेट। अब हम ड्राइव करेंगे और गेट, तो और गेट ड्राइव करने के लिए देखिये, ये हमने एक नॉर गेट लिया, नॉर गेट के दो इनपुट हैं ए एंड बी, आउटपुट क्या होगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने एक और नॉर गेट लिया, उसके दोनों इनपुट्स को हमने टाई कर दिया, तो यहां भी क्या होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यहां भी क्या होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, उसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो देखिये आउटपुट क्या होगा इसका, ए प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि देखिए ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट था, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट था, तो ये क्या है नॉर गेट, नॉर गेट बेसिकली क्या होता है और प्लस नॉट, तो और में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, या दोनों ऐड होंगे तो क्या होंगे, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, उसका फिर ये नॉट गेट है से पास करेगा तो एक और कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट से डबल कॉम्प्लीमेंट गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए प्लस बी, ठीक है। और गेट थर्ड है आपका नॉट गेट, तो नॉट गेट के लिए हमें क्या है, एक सिंगल नॉर गेट चाहिए जिसके दोनों इनपुट हमने टाई कर दिए हैं आपस में, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो नॉर गेट क्या है और प्लस नॉट, तो हम नॉर गेट की प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे, तो आउटपुट जो वाई है, ये आपका आउटपुट वाई है, तो वाई क्या होगा ए प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए प्लस ए जो हमारे बाइनरी में क्या होता है ए होता है और ये कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह से हमने नॉर गेट भी ड्राइव कर दिया। तो इस तरह से हम ये सारे गेट्स हैं वो नैंड गेट एंड नॉर गेट से ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए नैंड गेट एंड नॉर गेट हैं, दोनों को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।